महाराष्ट्र के चौल जमीन घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने करीबी प्रवीण राउत का इस्तेमाल किया। राउत ने जमीन खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए नकद दिया है। ईडी ने खुलासा किया है कि शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के प्रवीण राउत से गहरे संबंध है। जांच के दौरान ईडी को पता चला कि संजय राउत को प्रवीण राउत से महीने रुपए 2 लाख मिलते थे। इतना ही नहीं, प्रवीण राउत ने संजय राउत और उनके परिवार के घरेलू और विदेशी दौरे का भी ध्यान रखा। ईडी ने अदालत में यह भी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान यह भी पता चला है कि संजय राउत ने अलीबाग के किहीम में जमीन खरीदने में भारी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया था और इसकी पुष्टि कुछ विक्रेताओं ने की है। ईडी ने कहा, संजय राउत के प्रॉक्सी के रूप में प्रवीण राउत अनुमति या मंजूरी आदि प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के साथ संपर्क करते थे, जो कि 1 लाख करोड़ के अपराध की आय का प्राथमिक कारण है। प्रवीण राउत के खातों में मिले रुपए 112 करोड़ में से संजय राउत और उनके परिवार को 1 करोड़ दिए जाने का भी पता चला है। ईडी ने कोर्ट को आगे बताया कि शिवसेना के बड़े और कदावर नेता ने विक्रेताओं को किहीम बीच और अलीबाग में स्थित अपनी जमीन बेचने के लिए धमकाया। साथ ही ईडी के सामने गवाही देने वाले गवाहों को भी धमकी दी है। ईडी ने कहा कि गोरेगांव के पात्रा चौल के पुनर्विकास में घोटाले के बाद हुई आय का इस्तेमाल इन जगहों की जमीनों को खरीदने के लिए किया गया था। यह नकदी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक और मामले के मुख्य आरोपित प्रवीण राउत द्वारा प्रदान किया गया था। इसके अलावा 10 पार्सल जमीन के विक्रेताओं को संजय राउत ने 3 करोड़ रुपए नकद भी दिए थे। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने रविवार और सोमवार की रात को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे लगभग 14 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।